तो गाइस मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो रेसल इन द फैक्ट्स। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समर स्लैम 2023 का ऑलमोस्ट कन्फर्म मैच कार्ड। तो कौन कौन से मैचेस हमें समर स्लैम में पक्का देखने को मिलेंगे, मतलब 100% मतलब यही मैचेस देखने को हमें समर स्लैम 2023 में देखने को जरूर से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आपको करना है तो करो, वरना भाई रहन दो, भाई आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, बाकी आप लोग को मन करे तो ही करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट से पहले आप लोग कमेंट में सब लोग जय श्री राम लिख देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलेगा वो है रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एंड जो सेकंड मैच हमें देखने को मिलेगा वो है कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का, और इन दोनों का फाइनल मैच होने वाला है। इस मैच से डिसाइड होगा कि इस राइवलरी का कौन विनर है। एंड जो थर्ड मैच हमें देखने को मिलेगा ये है मनी इन द बैंक का रीमैच, जहां की सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे फिन बैलर के अगेंस्ट, और मे भी हमें समर स्लैम में डीमन बैलर आते हुए नजर आ सकते हैं। एंड जो फोर्थ मैच हमें देखने को मिल सकता है वो है गंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड जो फिफ्थ मैच हमें देखने को मिल सकता है वो है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एलन नाइट का फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड जो सिक्स्थ मैच हमें देखने को मिल सकता है वो है आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर दी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो सेवंथ मैच हमें देखने को मिल सकता है वो है बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के बीच। ये कुछ मैच कार्ड है 2023 का ऑलमोस्ट कन्फर्म मान सकते हो यार आप लोग, बस WWE की तरफ से कन्फर्म करना बाकी रह गया, बाकी ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है भाई, ये सारे मैचेस WWE के समर स्लैम 2023 में देखने को जोर से मिलने ही वाले हैं। बाकी क्या आप लोग इस मैच कार्ड से सेटिस्फाइड हो कमेंट करके बताएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसी WWE से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम ट्विटर एंड थ्रेड फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी कोई भी सवाल हो डोडो से रिलेटेड तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।